प्रश्न यहां यह उठता है, क्या भारत में किसी भी सिख समुदाय को मानने वाले को क्या कभी पगड़ी पहनने से रोका गया? क्या किसी को गुरुद्वारे जाने से रोका गया? क्या किसी को कड़ा पहनने से रोका गया? राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली में सिख प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, मार्च निकाल रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 163 को अब लागू करने की घोषणा कर दी है और प्रदर्शनकारियों से कहा है कि वो इकट्ठा ना हो, हट जाए। लेकिन जो सिख प्रदर्शनकारी है वो राहुल गांधी के सरकारी आवास की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने एक बैरिकेड तक तोड़ दिया, आगे बढ़ने का प्रयास किया। देश की धरती में जाकर भारत को न्याय मिलने की कोशिश करते हैं। मैंने कल कहा था कि यही बयान अलगाववादी यूज करेंगे। आज खालिद सोनी ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि भारत के अंदर सिखों को दिक्कत है, अब वह पूरी तय उम्र इस बात को कहेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन सिखों के बारे में ये कह रहे थे। इसी प्रकार का बयान राहुल गांधी ने तब दिया था जब कश्मीर में 375 हटाया गया था और उस बयान का उपयोग इमरान खान ने यूएन में किया था। वह लगातार आज वह ऐलान उमर से मिले हैं जो कि भारत विरोधी है। ये ISI का एजेंडा है, K2 का एजेंडा है। हमें अफसोस है कि राहुल गांधी उस K2 के एजेंडा का, जो ISI का एजेंडा है, उसके अंदर वह चलकर वह सिखों को बदनाम कर रहे हैं। और अमित भारद्वाज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, राजनीतिक है ये विरोध, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय विरोध कर रहे हैं, कौन कौन है जो विरोध कर रहे हैं और इस समय जमीनी स्थिति क्या है? गौरव, देखिए मेरे ठीक पीछे आपको वो बैरिकेड दिखाई देंगे जिसके पीछे दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं। लगातार ये कोशिश की गई कि इन बैरिकेड्स को तोड़ के जो प्रदर्शनकारी हैं वो 10 जनपद की तरफ जाए, यानी कि वहां जहां सोनिया गांधी रहती हैं और राहुल गांधी भी फिलहाल रह रहे हैं। और उसके बाद अब फाइनली पुलिस ने यहाँ पे इनको डिस्पर्स होने के लिए कहा है। हाथों में तख्तियां आपको दिखाई देंगी और महिलाएं और सिख विंग जो है, सेल जो है बीजेपी का, उसके प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में थे। मैं ये समझना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जो अमेरिका में अपनी बात कही है उसमें तो कह रहे हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो इसलिए है कि लोगों को पगड़ी पहनने की, कड़ा पहनने की आजादी रहे। तो आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं इसके खिलाफ? उसने ऐसे नहीं बोला कि आजादी रहे, वो कहां बोल रहे हैं कि आजादी रहे, वो कह रहे हैं कि ये पहन ही नहीं पाएंगे पगड़ी और कड़ा, इनको पहनना नहीं जाएगा इनसे, वो ये बात बोल रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि इनसे ये पहन पाएंगे, ये गलत बोल रहे। और हमेशा ही राहुल गांधी क्या कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही आहित किया है सिखों को, हमेशा ही जब 84 के दंगे हुए तभी इनकी माँ ने जो इंदिरा गांधी। एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ क्योंकि पुलिस ने जो क्राउड था उसको डिस्पर्स किया तो अब 10 जनपद की जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे बड़ी संख्या में आपको बीजेपी सिख सेल के ये प्रदर्शनकारी हैं जो वहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और कई सारे काउंसलर्स अलग अलग लीडर्स सिख विंग के यहाँ पे इकट्ठा हैं। और एक तरफ मैं ये बीजेपी के काउंसलर हैं मारवा उनसे समझते हैं, ये बताइए कि राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से दलील जरूर दी जाएगी कि वो तो आपके धार्मिक आजादी के लिए लड़ाई की बात कर रहे हैं तो फिर आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को झूठ क्यों बोलना पड़ा, राहुल गांधी क्यों एक आतंकवादी की तरह काम कर रहे हैं जो गोला और बारूद नहीं मार रहे लेकिन अपनी गंदी जुबान से हमारे देश का नाम नीचा कर रहे हैं, हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हैं। मेरी ये मांग है राहुल गांधी से, अगर तेरे को सिखों का इतना है तो जा सबसे पहले जो तेरे फादर ने, जो तेरी दादी ने हजारों सिखों का कत्लेआम किया है, अब सबसे पहले उनके बिहाफ पे माफी मांग, जा अपने घर के बाहर बैठ और सबको बुला, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और बोल कि हाँ मेरे फादर ने, मेरी दादी ने हजारों सिख मरवाए, उनके लिए मैं माफी मांगता हूँ, तब हम मांगेंगे कि तू सिखों का प्रेमी है। ये झूठ इंटरनेशनल स्टेटस में जाके झूठ बोलना और एक भ्रम बेचना दुनिया में कि इंडिया इनसिक्योर है, इस बात का भी है कि अमेरिका में जाके बात कही गई, अगर ये भारत में बात की होती तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता, तो भी इतना ही बड़ा बवाल होता। देखिए हमें दिक्कत इसके लिए है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, जब वो सिखों को वो 1% भी नहीं समझते, उसके बाद वो सिखों के ऊपर बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं कि उनको इंटरनेशनल फुटेज मिले,
ये सरासर गलत है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, तो राहुल गांधी की माफी की मांग हो रही है गौरव, और अब क्योंकि पुलिस प्रदर्शनकारियों को यहां से हटा रही है तो प्रदर्शनकारी आपको धीरे धीरे मौलाना आजाद रोड पे जाते हुए दिखाई देंगे और हाथों में तख्तियां हैं। बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे उनको फिलहाल दिल्ली पुलिस ने यहां से हटने के लिए कहा है। ये हाई सिक्योरिटी एरिया भी है इसलिए ज्यादा लंबे समय तक यहां विरोध प्रदर्शन करने की परमिशन होती नहीं है। और ठीक पीछे आप देखेंगे किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान एक एक करके जो भी प्रदर्शनकारी बचे हुए हैं। इस खबर पर आप नजर बनाए रखें, ताजा जानकारी के लिए फिर अमित मैं आपके पास लौट कर आऊंगा।